बहुत सज के सवर के हाथों में मेहंदी लगा के उस सजना का अपना भी नाम भी लिखी थी, थोड़ा दिखा दो बाबू, नाम भी लिखी थी। जमाल को पी के आ रहा हूँ। पी के आ रहा हूँ। जमाल को। जमाल को। मैंने कैसे पता चला? जब मिठाई खिया तो नहीं तो जब माला डाल तो नहीं तो। हाँ। मुंह मोहक गए। अच्छा मुंह मोहक गए। तो तेरा क्या लगा? हम बन के बिया ना कर मुझे से उतर कर जमाल को। हमार बना के रख दलस ओबरा जयमालो पर से उतार के कही जे हम ना करे त कहू लोग इज्जत जाई गांव माला के इज्जत जाई बा भाई के सब कर इज्जत जाई पर्दा से उतार के आके कहू है कि उ पीले बारे ओई से कैंसिल कर दिया है। हां फेन भी गुरु है तानी के बेरा 3 बजे लेके आवत है। आज उनकरा कैसा फेन हमार भाई गोन पूछे खातिर है जे तार कहां गइलो चाचा पापा आज ये बेरा लेना गुरु है तानी करा कर मुए बोलत रहन भाईया के कहत रे लड़का पीले बा कहाँ बनाता है ला पीले रहो लड़का पीले की वजह से आई बा जितना बड़ा इज्जत पर हो तो इला जी पूरा गांव नगर छोड़ दी दारू तुम्हार का जितना बेटा होइले तो सब जाना दारू ये छोड़ दी ले जी। माने अगर लोग पूछे कि दुल्हन काहे न लेला तो का जवाब दे? का जवाब देत है? कह तो ये दारू पी के गए रहनी है ये न कहे ई त ना कहे दारू पी के गए रहनी है ओ जे त जाइलो त न किसिम के न को छुदरा लगाई ले भाई लेके भाग ले चाहे होई हो ये बतिया जी के लोग कहे जी का बात बा आ ये जे त बात बा जे लड़की इज्जत से पर कहे दारू पीले बतन शादी ना करे स्टेज पर। हां ना ऊपर उतार के आके गुर हेता न करा स्टेज पर पी के आई रहूं। हां ओई पर पी के आई रहूं ले आल गए पकड़ के उनका के द्वार पर बैठाल गए जे बेर ले के घर गुर हे थानी होला बेर बियाह 3 बजे 4 बजे होई त विदाई का ना बेर होई त कापत रहो थर थर जे पीला के मारी जे पहिले ही से पीला रहो नहीं से लेट पहिले ही से पीला रहो नासवा तुरत रह गेलो ने का हां 3 बजे ले रहल है नहीं रे मैं कोई झूठ बोले के बाटे डागर और केटा रहुए सारी दुनिया देखुए झूठ के थोड़ी शादी हो। लड़कियों को ये ख्वाहिश रहता है कि जब उसका सजना आए तो घोड़ी चढ़ के आए और उसे डोली में बैठा के लेके जाए। कल 9 तारीख था और तरवारा थाना अंतर्गत ये जो गांव है चारी का ये जो गांव है भेलपुर भेलपुर में इस राजकुमारी का बरात आया था। इसके दूल्हा इसका दूल्हा जो है घोड़ी चढ़ के आए थे लेकिन साहब बारात जो है कहीं ना कहीं 1 बजे रात को लाते हैं। इसका कारण भी है, उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो लड़की है बहुत सज के सवर के हाथों में मेहंदी लगा के उस सजना का अपना भी नाम भी लिखी थी, थोड़ा दिखा दो बाबू, नाम भी लिखी थी। क्या नाम था उसका? उमेश। देखिए इस गड्ढे में जो दिल बना हुआ है इसमें उमेश लिखा हुआ है, लेकिन उमेश जी जो है कहीं ना कहीं इतने पियक्कड़ थे कि एक गाना आपने सुना होगा कि माई रे रोजो पी के करेला डरामा, तो ये बबुआ रोजो पिए आला में रहुआन। वो जौन आदमी बरात के दिने पी के आवता वो सोची आउरी दिने का करी, बरात में जब पी के आवता रहे तो 1 बजे बरात लगाता, कैसे कि उस साँझ ही पी के टर रहल तो शाम के नशा में जाके सूत गईले, तब उनका जब नशा टूटल तब दुआरी बरात लेके 1 बजे आवल जाता। जब बरात दुआरी पर आई तब जयमाल पर लड़की गई तब लड़की का देखलक इस सब हम बात करें। का नाम है बनी? गीता कुमारी। के कारण से शादी हो? मेस कुमार से। तो काहे शादी ना हुआ? जमाल पे पी के आई रहूं। पी के आई रहूं? कितने बजे बारात है? 12:00 बारात है। अच्छा पहले फोन से भी बात होत रहो? हां तो फोन से बात हुई तब मतलब पीला खानी बतिए हैं? हां एनी टाइम। अच्छा तो बहुत खुश बाड़ू तू कि तेरा घर के लोग इतना मान लो कि 6 बहन पे अकेले 6 भाई पे अकेले बहन बाड़ू तो खुश बाड़ू कि चलो तार जीवन भी गया मतलब बर्बाद होके से बच गए। खुश बाड़ू। अच्छा अब जन अगर दोबारा तहार शादी होता तो कौन लड़का से शादी कर रही? जी बिल्कुल। देखिये बच्ची ये कह रही है कि जो लड़का अपना परिवार का इज्जत करे दारू पी के ना आए, क्योंकि जो लोग दारू पीते हैं वो कहीं ना कहीं वो ओकर खीस चची मेहरारुए पे होला। हां कब आई त मारी पीती? हाँ। मार पीट के वो पर बर्बाद हो जाता रे सब कोई। हाँ। सुनाते जाओ त लो 4-5 बच्चा हो जाता पी के मार के को कदर नहीं के सबसे हार तो सदा खीस के मारी फसारे लगा के मर जाता रे सब कोई जो अरे खा के मर जाता रे कोई पलट पटा रे गम कत रहो गे मुंह तबे छनक पैसा तिलक गाड़ी का सवा घर होलो तो वही जी पियले रहूंगा। हाँ। तो लड़का भतीजा हमारे वही में डांट उठ के चली गऊंगा ना के। हाँ। तब अपने बाप से कहता रहे जे पापा पियले भाई शादी मत कर। हाँ। शादी मत कर
दू बेर कहले बड़ा दोनों बेर उनका पापा मरले बानी बड़ा कम दिमाग के जे ना बियाह काटत अपने बहन के तब पबनू जा के हर पास में लड़की कहते हम शादी ना कर भाई लोग के मुँह देखे भाई हमारे रुआ तारे सब बड़का भाई दाँत पर दाँत लागत रहोगे बड़का भाई के धनु के दुनिया के रुआत रहो दान पदान जमाल के बेरा लागत रहो कि ओकर हाथ का पत्र हो गए थानी के बेरा मतलब लड़का के गोड़ हाथ का पत्र है आप तल मलात रहला हमो मौकत रहे जमाल के बेरा तो गहना गुड़िया भी बहुत कम लेके आई रहे कम ले गहना गुड़े लोग गहना गुड़े से कौन ले तार नहीं के हमनी के तार पाए जब मंगलसूत्र जन मेन मानल जाला मंगलसूत्र भी ना रहे जब पिया पर तब ना के जाना जहां हम बियाह कर जाते देखो मंगलसूत्र लेके जाए तो जब मंगल सूत्र लेके नहीं रहो तो बिया कैसे कर अच्छा मतलब बुरेतनी भौ है कि ना भौ है बुरेतनी कहो सन हां उ भइल बा पहिले बालो हजारे गाना लेल बड़े फॉर्म लेल गाना उनका घर आ जाए बोलत है जे हम भी शादी ना करब अच्छा लड़की ओहु बेरा कह ओहु बेरा कहले बिया लई कि जे हम शादी ना करब तो कैसे शादी करे स बड़ा धूम धाम से छौ भाई पई एगो बहन ली हो कहती के भाई मटकोड़ाई कर आई कर केटा बनाय रे में को झूठ बोले के बाटे डागर और केटा रहुए सारी दुनिया देखुए झूठ के थोड़ी शादी होत रहला हमनी के वैसे कहीं से नहीं शादी हम मन थोरो गए तब भी हमर बहन कहली जे हम नहीं शादी करब से मन होत रहला चल लइका से लड़की चोख रही त लइका मानी कमाई ओकर जांगर पांच सही रही त कमा के खियाई जब पियते त का खियाई कुछ त ना खियाई तो 500 कमाई तो 500 पिए जाए 500 पिए जाए त घर एक त दूर रहला वो बेच देगा ना बाल बच्चा होई खाए के मांगी त लइकिया से न मांगी माईया से न मांगी बाप से त मांगे ना जाई उ त उठी त मारे लागी कोई से छोड़ के कोई जन शादी ना करे शादी ना करे कोई से शादी करनी कर दियो ते जा तो उ जमाल पे खाना होना थी रसगुल्ला रसगुल्ला खियाओ के बेरा भी उनकर मुंह महकत रहे अच्छा का कहल चाहबू जो लड़की बाड़ी से ओ जेकर ए तरह के अगर सामना होके तो लड़की संग के का कहल चाहबू झूठ बोलत है ओ त जैसे लड़का से सुना देखिए बच्ची स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत निर्णय लीजिए हालांकि ये गरीब परिवार है और ये पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं पूरा मेहनत का कमाई जो है लगा के एकदम शादी धूम धड़ाका से अब ऑर्केस्ट्रा भी बना गया था मटकोर के दिन जो लड़की का मटकोर था उस दिन भी ऑर्केस्ट्रा बना गया था बीच में रहुए लड़की तब भाई अपन बांध के कहुए लो जे बार बार शादी ना नु होई एक बार शादी हो एगो लड़की बिया छह भाई बाटे कहुए लो शादी जे छह भाई जन शादी कर देम त बहन होई हमरा के उतारे जाई उ का उतारू ओकरा में त इज्जत होइले ना कत उतारी त पी के पटा जाई बारात ओकर पता लगी कि सार के मारा मारी कह के साइड हो जाई जबरा जुरी कह जोड़ा पहनाओ के बेरा पता ना चली जीजा ही कहां मिले वही से कैंसिल कर दियल गवे शादी ना होई लड़की बोलती है जो मम्मी हम शादी ना करें पापा हम शादी ना करें भैया हम शादी ना करें तुमकर भैया कहो जे ना शादी ना होई शादी धुन धुन रोए लगु है जे शादी ना कइल जाए है कि हमरा दांत लागे लगला तोरा के जुर गलन दे हो सके बहन है अच्छा बहन है चाचा के लड़की है हां बड़का बड़का लड़की है चाचा के लड़की है तो यही खबर मैं आपको दिखा रहा था कि रात को बारात आई थी और दुल्हन जो है दूल्हे के साथ जाने से मना कर दी। वजह यह है कि जो दूल्हा है दारू के नशे में टल्ली था, उसका एक पैर दाहिने जा रहा था तो एक पैर बांवे जा रहा था और उसको ये भी नहीं पता था कि हम शादी करने अपने शादी में आए हैं तो कम से कम सही से जाएं और अच्छा व्यवहार करें। और लड़की के हाथों में मेहंदी है और मेहंदी इसलिए लगाई थी कि कहीं ना कहीं इसके सजना जो है घोड़ी चढ़ के आए थे और डोली में इसको बैठा के ले जाते, लेकिन सजना तो आए लेकिन घोड़ी पे भी चढ़ के आए लेकिन साथ में पौआ पी कर आए। बिहार में दारू बंद है, पता नहीं उस दूल्हे राजा को कहां से दारू मिल गया था। यही खबर मैं आपको दिखा रहा था।